आरक्षण में ओबीसी की क्रीमी लेयर को 8 लाख से 6 लाख तथा डेफिनेशन बदलने के इस पिछड़े वर्ग विरोधी फैसले के बाद मनोहर सरकार ने एक बार फिर बीसी वर्ग के अधिकारों पर कैंची चलाने का काम किया है। जहां शिक्षा विभाग में एससी बीसी के अध्यापकों को पे ग्रेड एसीपी के लिए 45% अंक चाहिए थे, वहीं अब सरकार ने एससी वर्ग को न छेड़ते हुए पिछड़े वर्ग के लिए इसे 50% कर दिया है। सरकार के इस फैसले से 45% अंकों के साथ भर्ती होने वाले पिछड़े वर्ग के अध्यापकों को अब कभी भी पे ग्रेड एसीपी नहीं मिलेगा। बता दें कि पहले परीक्षा में सेमेस्टर प्रणाली नहीं होती थी, जिस वजह से नंबर भी कम आते थे। सरकार के इस फैसले से पिछड़े वर्ग के लोगों में काफी आक्रोश है। वहीं पिछली कांग्रेस सरकार की तुलना की जाए तो साल 2012 में तत्कालीन मुख्यमंत्री उपेंद्र सिंह हुड्डा ने शिक्षा विभाग में अध्यापकों को 10, 20 और 30 वर्ष में मिलने वाली एसीपी को 8, 16 और 24 वर्ष में देने का फैसला लिया, जो एक सराहनीय कदम माना गया था। हरियाणा के इस कला एवं कौशल विकास के पूर्व चेयरमैन योगिंदर योगी ने कहा कि जब से भाजपा सरकार सत्ता में आई है, तब से पिछड़ा वर्ग के हक हकूक अधिकारों पर कैंची चलाई जा रही है। कहा कि आज भाजपा सत्ता में केवल पिछड़ा वर्ग के कारण है, लेकिन भाजपा की नीति है जिस थाली में खाती है उसी में छेद करती है। पिछड़े वर्ग के लोग इनकी बांटने की राजनीति के शिकार हो गए, लेकिन अब समझ आ रहा है कि भाजपा की सोच हमेशा पिछड़ा वर्ग विरोधी रही है। योगी ने कहा कि भाजपा ने सबसे पहले क्रीमी लेयर की डेफिनेशन बदलकर हमारे छात्र छात्राओं के पैरों में बेड़िया डालने का काम किया। उसके बाद निजीकरण और आउटसोर्सिंग भर्तियां करके आरक्षण को निष्प्रभावी करने का काम किया। पिछले 3 सालों से प्रदेश में पिछड़ा वर्ग आयोग में कोई नियुक्तियां नहीं हुई। कई सालों से कॉलेज यूनिवर्सिटियों में हमारे बच्चों की छात्रवृत्ति बंद की हुई है। योगी ने आरोप लगाते हुए कहा कि हुड्डा सरकार द्वारा गठित केश कला बोर्ड, मिट्टी कला बोर्ड में भी नियुक्तियां नहीं करना इनकी ओछी मानसिकता को दर्शाता है। इन्होंने हमेशा अति पिछड़ा वर्ग के लोगों को आर्थिक रूप से कमजोर करने का काम किया, क्योंकि इससे पहले इन्होंने नगर परिषद, निकाय पंचायत चुनाव में 8% आरक्षण देने का सिफूगा छोड़ा और उसके बाद ड्रा भी निकाले गए, जिससे कई जगहों पर पिछड़ा वर्ग के लोगों ने खूब पैसा खर्च किया, लेकिन बाद में पहले वाली नीति पर चुनाव संपन्न करा दिए। अब पंचायत चुनाव भी बगैर आरक्षण करवाना इनका असली चेहरा दिखाता है। योगी ने पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का धन्यवाद करते हुए कहा कि हुड्डा ने पहले भी पिछड़ा वर्ग के लिए बहुत सी कल्याणकारी योजनाएं शुरू की थी और अब पिछड़े वर्ग की मुख्य मांग जाति जनगणना की घोषणा तथा क्रीमिलेयर को 6 लाख से 10 लाख करना उनके सभी वर्गों के प्रति सोच को दर्शाता है। हल्ला बोल हरियाणा।